आपकी छोटी सी फ्रेंड और शाम अपनी। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आज आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ। आपको मेरा टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको एक गेम सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है स्क्रैबल। अगर आप इस गेम को बाजार में खरीदने जाएंगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, पर मैं आपको घर में ही इसको फ्री में बनाना सिखाऊंगी। तो इसे कोई भी एज ग्रुप खेल सकता है इस गेम को, जैसे बच्चे, मम्मी पापा या दादा दादी, कोई भी खेल सकता है ये। इससे हम लोग स्पेलिंग भी हम लोग इससे याद रख सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। मैं तो अपने मम्मी के पापा के साथ खेलती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मगर आप भी खेलिएगा तो आपको भी मज़ा आएगा, एक बार ट्राई करके देखिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल बटन है उसको क्लिक करके रेड कर दें, क्योंकि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो आपके पास जाए। तो चलिए अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसे बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। दो वाइट पेपर और एक पुराना बुक। ये पुराना बुक है जिसमें मैं पहले हैंड राइटिंग सीखती थी। इस पेज को हम लोग हटा देंगे, हमें इस पेज का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस कवर का जरूरत है। और हमें पेन या मार्कर चाहिए, दोनों में से कोई भी चलेगा। स्केल चाहिए और एक कैंची और पेंसिल और फेविकॉल चाहिए, एक कार्टून चाहिए। मेरी मम्मा फ्लिपकार्ट से मंगवाती थी, वही पड़ा था। आपके पास कोई भी कार्टून है वो ले सकते हैं। क्रियॉन्स चाहिए, पेंसिल कलर भी चलेगा, मगर वाटर कलर मत कीजिएगा नहीं तो गिर जाएगा। अच्छे छोटे छोटे स्क्वायर हम लोग अभी बनाएंगे। पहले आप लोग को लाइन करना है, फिर स्क्वायर बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पेजेस में स्क्वायर बन चुका है। तो हम लोग इस दोनों साइड में कवर का दोनों साइड में इसे चिपका लेंगे। और अगर आपको ये हमारा पेपर ज़्यादा सुंदर दिखवाना है तो इस पेपर को कलर कर लें। देख सकते हैं आप, मैंने ये स्क्वायर में कलर कर दिया है। कुछ ऐसे तरह से दिखेगा ये, कितना सुंदर लग रहा है। और आप भी अपने स्टाइल से ये स्क्वायर में कलर कर सकते हैं तो सुंदर लगेगा। पहले कार्टून के एक साइड को कट करेंगे इस तरीके से, फिर उसमें पेंसिल से लाइन कर लेंगे। फिर उसके पतले पतले कट करेंगे, उसके पीसेस पतले पतले इस तरीके से। और फिर उसके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। लोग बहुत सारे स्क्वायर पीसेस कर लेंगे और इसमें हम लोग लेटर्स लिखेंगे ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक। आपको जो लगे ज़्यादा है उसको ज़्यादा ज़्यादा लेटर्स लिख लिएगा। हम लोग का लेटर्स पूरा हो जाएगा पीछे आगे वाला। तो हम लोग एक बॉक्स में खाली बॉक्स में रख लेंगे जिसके लिए वो खो ना जाए, इसलिए। तो देखिए ये हमारा स्क्रैबल रेडी है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं इसको करती हूँ और हमारा लेटर्स भी रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे खेल कर दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम लोग इस गेम को खेलना सीखते हैं। पहले हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो खेलेगा वो अपना नाम लिख लेगा इस तरीके से, हम लोग ये लाइन कर देंगे बीच में। और अगर पाँच से कम हम लोग लिखेंगे, पाँच से कम लेटर होगा तो हम लोग को वन पॉइंट मिलेगा। अगर
पांच या पांच से ज्यादा लेटर होगा तो हम लोगों को 2 पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे ही होगा हम लोगों का पॉइंट्स। तो देखिए मैंने ये एप्पल लिखा है, इसमें 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5, इसलिए मेरा 2 पॉइंट्स होगा। तो पापा इसी में से कोई लेटर लिखेंगे, इससे कहीं और से नहीं लिख सकते, इधर से ही से उन्हें लिखना होगा। प्लीज में से एक वर्ड लिखूंगी तो मैं इसमें ये SUN लिखूंगी, सन। तो इसमें 3 ही लेटर्स है तो मैं इसमें 1 पॉइंट हो जाएगा मेरा। एक वर्ड लिखेंगे, अब ऐसे ही गेम पूरा लास्ट तक होगा और जिसका सबसे ज्यादा ये होगा 1 2 3 में सबसे ज्यादा पॉइंट होगा वही जीतेगा, गेम का विनर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनको 2 पॉइंट्स मिलेगा क्योंकि वो 5 से ज्यादा लिखे। क्या आप लोगों ने कि इस गेम को बनाना कितनी इजी है और इस गेम को खेलना भी कितना इजी है। तो जल्दी से जाइए और बना के आइए इस गेम को और खेलिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आप गेम आपको कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगी।